हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग का जाने का प्रोग्राम है कहीं हिली एरिया में, अराउंड यहाँ से वो 120 किलोमीटर दूर है। और राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 8 डिग्री, बट इट फील्स लाइक 4। सो ठंड है आज, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड आज ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे फिलहाल हम लेट हो चुके हैं, हम लोग को निकलना था सुबह 7 बजे ही, लेकिन फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और मैं जानबूझ के लेट किया हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर अब थोड़ा जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा तो ठीक रहेगा। गाइस, यहाँ पे हमारे साथ एफ हो चुका है, अपने को फ्यूल डलाना था लेकिन फ्यूल ही नहीं है। अब यहाँ से अराउंड 5 या 6 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, तो देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल ही नहीं है, ये पेट्रोल पंप। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हमारे साथ पता ही क्यों हम ही लोग के साथ ऐसा होता है। पेट्रोल पंप मिल गया हम लोगों को, हम लोगों ने फ्यूल डला लिया है। अब यहाँ से नॉन स्टॉप जाना जाना हम लोग वहाँ निकलते हैं। यहाँ रास्ते में देखे रुके हुए कुछ खाने पीने के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आ चुके हैं हम, भूख बहुत जोर से लग रहा था तो अब यही मिला खाने को रास्ते में, और कुछ था नहीं इधर, कुछ दिख नहीं रहा था और कुछ, तो यही खाने रुके हैं और ये खा रहा है। तो गाइस, अब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब चीज़ कर लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। In 300 meters, continue straight. अभी हम लोग गूगल मैप की तरफ से लेके आए और सीधा हाईवे से कनेक्ट करा रहे हैं, तो हमें लगा था कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगी। सबसे बेस्ट तरीका है आप गाँव की तरफ से पकड़ने। और हम लोग हाईवे पे आ गए, सीधी बात है अब तो भाई सीधा चलना ही चलना है। अब टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू नेशनल हाईवे 19। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहानी। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया है, एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। खाते हैं और आ चुका है हमारा चाट। सो गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं तुतला भवानी, और यहाँ पे आने को तो आ चुके हैं लेकिन कोविड के चलते लॉकडाउन लगा पड़ा है। और करंटली वाटरफॉल का जो मेन रास्ता है जाने का है वो बंद है, जो मेन रास्ता है वो बंद है। तो वहाँ पे एक पुलिस अंकल थे, तो उनसे हम लोगों ने बात किया तो वो बोले कि देखो जा तो सकते हो लेकिन साइड से, तो एक दूसरा रास्ता उन्होंने बताया है जो पहाड़ होते हुए हल्का जंगल टाइप का है, उधर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। बोले अराउंड 2 किलोमीटर है, पैदल चलना है हम लोग को, ट्रेकिंग करना है तो। लेकिन वेरी वेरी थैंक्स टू दैट पुलिस अंकल, उन्होंने हम लोग का हेल्प किया और बोला कि आप उधर से जा सकते हैं।
सुबह 9 बजे निकले थे हम लोग और यहाँ पे अभी 2 बजे पहुँचे हैं। मेन बात हम लोग रुकते रुकते आए हैं और ठंड के कारण बाइक भी धीरे चला रहे थे। सो गाइस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाटरफॉल और यहाँ पे पूरा पथरीला रास्ता है और ये देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ पूरा बंटी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं आगे। थोड़ा बहुत रिस्की है रास्ता लेकिन नेटवर्क डेड है ब्रो, नेटवर्क डेड है। वो जो दोनों पहाड़ कोलैबोरेशन है उसके बीच में, मतलब उन दोनों को कोलैब किया है वो। अच्छा 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 वो वहाँ पे देखिए पूरा चल रही है हम लोग की, पूरा पसीना हो रहा है अंदर बहुत ज़्यादा। थोड़ा स्नैप शॉट ले रहा है पहाड़ का, पहाड़ों का थोड़ा पैनर में ले रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैकेट शर्ट स्वेट शर्ट इनर टी शर्ट बहुत सारी चीज़ मैंने डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ पहन रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, सब लग रहा है मेरे को खोलना पड़ेगा जैकेट वगैरह। थोड़ा फोटो वोटो शूट करा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फोटो वोटो शूट वूट करा लिया है, सब चीज़ फोटो क्लिक वगैरह सब जो भी कराना था करा लिया। और अभी तो सिर्फ एक ही जगह का, अभी तो बहुत जगह कराना है। सो हम लोग चल रहे हैं देख रहे हैं, हमेशा निगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। सो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, बस पहुंच ही रहे हैं हम लोग। वो देख गिर रहा है पानी। हाय हे ब्रो, व्हाट्स अप, फाइन फाइन हे ब्रो, व्हाट्स अप। जो मेन गेट है वो तो अभी बंद है, लोग जा रहे हैं कि ऊपर जो है ना ब्रिज टाइप का मिनी ब्रिज, ये यही गेट है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, देखिए जैसा कि देख सकते हैं आप नीचे नीचे जा रहे हैं और लेट्स सी दर्शन होता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अंतर हो जाता है। वहाँ जाइए मछली कितना और यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे इतना गहरा है कि वहाँ का गहरा का मतलब गहराई का वहाँ का अंत ही नहीं है। दिल्ली से पूरा इंजीनियर लोग आए थे कि गहराई का पता लगाने की कितना वहाँ पे गहराई है, लेकिन वहाँ वो लोग भी नहीं पता लगा पाए कितना वहाँ पे गहराई है। देख सकते हैं आप जैसे कहते हैं देख सकते हैं पानी के अंदर पूरा मछली ही मछली है एकदम। हर जगह मछली, हर जगह छोटा 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 हर जगह। जब हम लोग यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने मंदिर का, ऐसा मंदिर बंद है लेकिन बाहर से ही कर लेते हैं। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज मैन, लेट्स गो बड़ी। सो यहाँ पे जा रहे हैं अब हम लोग, तेरा पड़ता है
Oh my God. Oh my God. क्या बोले? चेहरा क्या होता यार ऊपर ले। अरे अबे पानी के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं हम लोग के फेस पे। मैं एक एक बार करके आते हैं मिलते हैं। बिल्कुल। आह जा, ये जा रहा है, आ रहा है दर्शन करके फिर हम लोग चलेंगे। Just vibing on this music, bro. मजा आ गया। वैसे कोविड की वजह से अभी बंद है इसीलिए इतना खाली खाली मिल गया हम लोग को। बहुत ही आराम से दर्शन हो गया हम लोग को। बस अगर हम लोग यही नवरात्र वगैरह में या बरसात में आते हैं रेनी सीजन में तो फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। चलिए तो फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिया। अब और सबसे अच्छी बात है यहाँ के बंदरों में कि ये लोग आप पे बिना मतलब के अटैक नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ के एक बंदर है बक्सर के, वो तो बिना मतलब के ही आपके ऊपर अटैक करने लगते हैं। आप कुछ करिए उनको ना करिए, चुपचाप जाइए रास्ते में तो भी अटैक करने। देखिए तम ये भी पास में खड़े हैं हम, देखिए चुपचाप बैठा है अपने काम में है वो। बहुत सही है। आदमी बोलता है जंगली बंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये तो देखिए कितना शांत है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। चलिए तो चलते हैं। चलो बे बहुत ही आराम से उतरने लगे यहाँ पे। सो गाइस जब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब 4 बज रहा है, अभी 4:15 हो रहा होगा, तो अब निकलते हैं यहाँ से। घर जाने में भी रात हो ही जाएगा और नाइट कर्फ्यू लगा है जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में, तो 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा किसी भी हाल में। थोड़ा सा लेट इधर उधर हो सकता है लेकिन पहुंचना होगा। अब कैसे जाएंगे हम लोग 125 किलोमीटर
तीन घंटे में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ब्रो बहुत ज्यादा। सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग का सारा चीज फिनिश हो गया, घूमना फिरना सब चीज। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, शाम के बज रहे हैं 5 और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। सब चीज रेडी है, मैंने कपड़े अंदर के पूरे डाल लिए, वो भी अपना कपड़ा पूरा पहन रहा है और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रास्ते में का शायद ही शूट कर पाऊँ, अगर मैं शूट करूँगा तो मैं डाल दूँगा, लेकिन मैं शायद ही शूट कर पाऊँ इसलिए कि मेरे को फिर से राइड करना है। सो और ऊपर से रात का टाइम है, सो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा घर पहुँचने पर, इसलिए कि नाइट कर्फ्यू का टाइम है, ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं करना चाहूँगा। अब यहाँ तक को इतना बहुत है, अब निकलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।